तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका डीआरडीओ की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट का जारी हुआ है। आज उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अगर प्लेस पोस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, तो इसी के बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में बोल देंगे। आपसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखिए, और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सो उसके अंदर जुड़िए, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जॉब हर इंसमेंट आपको मिल जाए। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपको जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा टेक्नीशियन आपका एक बार अप्रेंटिसशिप रहेगा 1 साल का। सो यहाँ पर आपको आपको जारी हो गया आपका जो अप्रेंटिसशिप 1961 देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे जारी होता है। सो यहाँ पर आपको इंडिकेटेड टेस्ट रेंज है आपका जो उड़ीसा में है बालासोर से, यहाँ पर आपका परमानेंट पोस्टिंग रहेगा जो आपका ट्रेनिंग चलेगा यहाँ पर आपका 1 साल तक। सो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, पहले बीटेक कॉम्प्लीट करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होगा, कंप्यूटर साइंस आपका टेक्नोलॉजी होगा, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद भी जो वेरियस ट्रेड आप लोग से देख सकते हैं, तो टोटल मिला के आपसे वो 6 आपको वैकेंसी रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड मिल जाएगा आपको 9,000 करके। और यहाँ पर अलग से जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटल आप देख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग रहेगा आपको, ठीक है, आपको अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी है आप लोग देख सकते हैं, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स एम्बेडेड सिस्टम करके। सो यहाँ पर भी आपको सेम आपका स्टाइपेंड सेम आपका यहाँ पर वैकेंसी रहेगा, वो 6 का पोस्ट पर रहेगा। और उसके बाद का आपका जो बीबीटेक इन आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, आपको सिविल इंजीनियरिंग से 1 वैकेंसी है, आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका 1 ही वैकेंसी, और जो लाइब्रेरी साइंस में इसमें आपको 2 ही वैकेंसी है। पर आपको बीएससी लाइब्रेरी एंड बीएससी कंप्लीट करना पड़ेगा, जो बी बी टेक के बाद सेफ्टी इंजीनियर में कॉम्प्लीट करना पड़े, सिर्फ 2 ही वैकेंसी मिल जाएगा आपको। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, आपको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो बी कॉम करता है, सो यहाँ पर आपसे वो 12 को पोस्ट मिल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद जो डिप्लोमा आता है, सो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया आपका, कंप्यूटर साइंस एंड आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियर, यहाँ पर आपसे वो 8 या 4 पोस्ट मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर आप जो डिप्लोमा टेक्नीशियन है मतलब अप्रेंटिस जारी होता है, सो यहाँ पर भी आपको अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगा, रोबोटिक्स एम्बेडेड सिस्टम, सो यहाँ पर भी आपको 8 पोस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पर भी आपको 8,000 मंथली स्टाइपेंड सर आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब आपका जो यहाँ पर डिप्लोमा में कॉम्प्लीट करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 4 वैकेंसी आता है, डिप्लोमा को सिविल इंजीनियरिंग में आपको 2 ही वैकेंसी आता है, उसके बाद जो डिप्लोमा जो सिनेमा जोग्राफी आता है इधर 2 ही वैकेंसी आता है, आपको डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपको 2 ही वैकेंसी आता है। सो यहाँ पर अलग से आपको रिजर्वेशन वैकेंसी मिल जाएगा जो एस सी एस टी ओ बी सी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यू का आता है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक एंड आपका जो अप्रेंटिसशिप 19 सेक्शन के मुताबिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो का वैकेंसी देयर आर नो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ओनली इंडिकेटिव एंड मे बी चेंजेस लेटर, आपका जो वैकेंसी जारी होता है आपका चेंज हो सकता है, पर उसी के बारे में फुल डिटेल्स आपको बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। सो पहले जो वैकेंसी उसी के मुताबिक आपको अप्लाई करना होगा, जब भी इंक्रीज होता है तो आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो उसी के बारे में आप लोग प्लीज ज़्यादा सोचिए मत। और दूसरा, जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पहले तो आपको जो बी बी टेक डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उनको तो रजिस्टर करना पड़ेगा जो एम आई टी डी नेट से जाके, जो आप लोग नहीं रजिस्टर करके अप्लाई करेंगे उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलग से देना पड़ता है, जो पहले ही आपको एम आई टी डी जगह को रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, आपका डिप्लोमा का मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो भी होता है प्रूफ प्रोसेस, उसके बाद आपको 2-3 दिन आपको टाइम लगेगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वेरीफाई, जो डिपार्टमेंटल आपको जो एडमिशन नया जो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो ये आपका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, नहीं करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट करेगा, कोई भी चांस नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले ही इंस्ट्रक्शन आपको बोल दिया था,
वह जो बीबीए जो बीकॉम वाले हैं उनको यहाँ पर जो पोर्टल जो इस वेबसाइट पे अब जैसे जो पोर्टल बोक्टर है डॉट कॉम इसमें वो रजिस्टर करना पड़ेगा, जो सिर्फ बीबीए और बीकॉम वाले कैंडिडेट सिर्फ उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो बीबीटेक वाले उनके लिए नहीं, जो बीबीए बीकॉम से उनको भी आरक्षण रजिस्टर करना पड़ेगा, उनको भी उनको सेम प्रोसेस चला चला है, उनको भी डॉक्यूमेंट वगैरह देखो, उनको भी एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो आप लोग एक बार समझ सकते हो कि आपको कैसे आपको प्रोसेस करना होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो प्लीज स्किप मत करना, एंड तक देखिए, ये आपका जिंदगी का सवाल है, आप लोग गलती करेंगे आपका हम रिजेक्ट भी हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से और देखिए। और यहाँ पर देख सकते जो है पासवर्ड क्या है, बी बी टेक डिप्लोमा बीबीए बीकॉम बोले डिग्री पासवर्ड हुए, सो ज़्यादा नहीं हो 18, 19, 20, 21, 22 सिर्फ यही बैच एलिजिबल है, कोई भी 17, 16 का बैच यहाँ पर नहीं एलिजिबल, जो फ्रेश हो मतलब देख सकते हो 18, 19, 20, 21, 22 जो है सिर्फ यही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते, उसके पहले भी उसके बाद में कोई अप्लाई नहीं है जो पासवर्ड हुए है, नहीं को एडमिशन लिया जो पास आउट हुए सिर्फ वही पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो कैरियर क्वालिफिकेशन आ लिया 2018, मैंने पहले का बोल दिया दोस्तों, एफ आई बी को बोल दिया पहले, तो कैरियर वही तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल, जो यहाँ पर बी टेक कर रहे हैं उनके एम टेक पर एम बी कर रहे, सो उसके एंड से पर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपका जो हायर क्वालिफिकेशन हो गया, और पहले ये बार बोल दिया था आपका जो कैरियर जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, सो कैन यू कंप्लीट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन एंड कैन इज ओनली द एलिजिबल, सिर्फ इंस्टीट्यूशन जो बीबीटेक डिप्लोमा बीबीए बीकॉम वाला है उनको उनको कोई भी जॉब कोई भी की ट्रेनिंग नहीं किए हुए तो यह पेपर एलिजिबल हो सकते हैं, पहले से आपको जॉब किया एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग किया है तो आप पेपर नहीं एलिजिबल हो सकते, ठीक है। और कुछ टर्म टर्म एंड कंडीशन दिया है आपको देख सकते हैं, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग ऑफर लेटर सिलेक्टेड डन थ्रू ईमेल ऑनली फॉर इंक्वायरी, सो वेबसाइट मेल से लगा फोन नंबर दे दिया, मेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका ट्रेनिंग का पीरियड है आपका 12 महीने रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट और अप्रेंटिसशिप के मुताबिक, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को सबमिट करना पड़ेगा, आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन सेल भी सिलेक्टेड कैंडिडेट के क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिब्यूशन नॉन क्वालिफाइड डिलीवर क्वालिफिकेशन आपका फॉर्म भी रिजेक्ट, कोई भी गलत फॉर्म कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कोई भी गलत देगी आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो यहाँ पर एग्जाम आपका जो कोई सिलेक्शन के टाइम कॉल किया जाएगा जिसके मुताबिक, सो उसके मुताबिक कुछ पैसों को नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के पैसे जाएगा आपको करना पड़ेगा, स्टाइपेंड तो अलग से मिल जाएगा पर मंथली, और आपका सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 12 महीने तक रहेगा, फास्ट प्रिब्यूशन एक्ट अपेंडिक्स के मुताबिक आपको 12 महीने पर रहता है। सो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही एंड शी फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया एंड अदर ऑल मेंशन्ड एडवर्टाइज, सो एवर शी इफ शी नॉट बी एलिजिबल टू द पार्ट ऑफ इंडिया टेस्ट जल्दी पूरा अवर ट्रेनिंग इफ इट ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटिसशिप आफ्टर कंप्लीशन पीरियड, सो एवर पहले ही बोल दिया आपको कोई एवर कोई एवर आपको पामेंट नहीं जॉब में नहीं किया जाएगा, आपको कॉम्प्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग, आपको सर्टिफिकेट देख के आपको घर चले जाना होगा, कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट को भी आपको ऑफर आपके पास नहीं दिया जाएगा, सो ये भी आपको सबको समझ समझ के आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अगर कुछ ये बार नीचे प्रोसेस है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको आपको नॉट प्रोवाइड अ गवर्नमेंट क्वार्टर हॉस्टल अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट डाइस्ट्रीब्यूशन में टाइम टाइम डिटेल इंटरव्यू द ट्रेनिंग पीरियड, तो अपेंडिक्स में मुझे जाएगा कोई गवर्नमेंट क्वार्टर हॉस्टल अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट बाय रिटर्न या इंटरव्यू एक मतलब कुछ जगह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, खुद के पैसा तो उन्हें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो पहले आपका कैसे अप्लाई करना तो फॉर्म अवेलेबल है तो वैसे का मिल जाएगा आपको टाइप, मतलब आपको एप्लीकेशन का सेल पेटिशन करके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको भी फिल करके आपको यहाँ पर आपको भेजना, जो डायरेक्टर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आएगा चंदीपुर बालासोर इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा बिफोर 17 अक्टूबर के पहले पहले आपको भेजना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन शुड बी टाइप रिटन हैंड रिटन प्लीज आपको देना पड़ेगा, सिग्नेचर विल बी नॉट एक्सेप्टेड, सो एप्लीकेशन फॉर्म आपको टाइप रिटन हैंड रिटन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड सिग्नेचर नॉट बी एक्सेप्ट, सो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे भेजना पड़ेगा, सो ये जो एक जगह सेल्फ इनरोलमेंट भेज के लिखना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी साइज अपडेट देना पड़ेगा और सिटी देना पड़ेगा कैसे आपको कास्ट बिलोंग करो, उसके मुताबिक आपका अगर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू को
कॉलर आ जाएगा, आपको ओएसआर में जारी हो जाएगा, आपको हार्ड कॉपी मेल और रिटर्न टेस्ट आपको यहाँ पर जारी हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे है आप देख सो, उसको प्रिंट करके आपको इधर ना वो जाना जाना पड़ेगा। शुड बी कीप कॉपी एप्लीकेशन का रिकॉर्ड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग टीम कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लोग प्लीज चेक कर सकते हैं। तो लास्ट डेट रहेगा, तो इसी डेट के पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना होगा। सो अगर पीडीएफ और जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो को दूसरे साथ भी शेयर करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इस चैनल का भी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग भी ध्यान पावरफुल कर देना। चलिए।